मैं डॉक्टर भाई परमजीत सिंह सोके मंदा आखिए जी जिम्मे राजान भलाई ट्रस्ट का जिदे विच बच्चियां दी औरतां दी भलाई का एक उद्यम है उदा चेयरमैन और दैनिक गरज दी सवेर अखबार का संपादक रक्षाबंधन जिदा नाम ही रक्षा और बंधन इस अर्थां दे विच ही बहुत वड्डी ताकत और बहुत वड्डा संदेश है। इस शुभ पर्व ते मैं अपने पंजाब वासियां नूं देशवासियां नूं बहुत बहुत बधाई देना और बेनती करदा कि अज जो पंजाब दे अंदर जिस तरीके दे नाल घटनावां हो रही हैं, जिस प्रकार दे अंदर जिहड़ियां शर्म नाल सिर झुक जांदा है, इस प्रकार जिहड़े रिश्ते तार तार हो रहे हैं और किसी तरह दियां सीमावां जिहड़ियां ने वह पार कर रही ने, कोई भी शिष्टाचार और कोई भी उहदे च नारी दे सम्मान की गल कहीए उहदे विच भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। पंजाब दे अंदर उहदे विच इक्को ही घाट है कि लोगों नूं सही अर्थ नहीं पता। ये पर्व है, साडा भारत देश महान है, इत्थे पर्व बड़े आउंदे ने और रक्षाबंधन भैणां दे और भरावां दे पवित्र रिश्ते नूं बंधन दे विच लगा के एक जिम्मेवारी अहसास, ये देश महान है। और लेकिन अज जो वर्तमान समा चल रहा है वह बहुत ही, मैं शब्द कहांगा कि भयानक है, भावें वह देश के अंदर है भावें वह साडे प्रदेश के अंदर है, दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर, जिथे पूरी केंद्र सरकार भी है और उतों के सूबे की सरकार भी है, उत्थे भी मध्य भारतियां ऐसा शर्मनाक घटनावां घट रही ने, उहदे विच सरकारां दा बहुत वड्डा रोल है क्योंकि सरकार दे कोल एक पूरा तंत्र हुंदा है, पुलिस तंत्र हुंदा है, सुरक्षा तंत्र हुंदा है और कानून दे अंदर उहनां दे कोल हर तरह का है। और इहदे विच मैं कहना कि पंजाब दे अंदर भी जिहड़ियां घटनावां हो रही ने, साडे पटियाले जिले दे अंदर पिछले दिन भी ऐसा रोजाना ही जिहड़ियां घटनावां हो रही ने, तां रक्षाबंधन दे उत्ते कल्ला असीं इस नूं इक वधिया रखड़ी जिहनूं असीं कहिंदे आ उही बन्न के इस नूं ना सारीए। इस पर्व का, इस पवित्रता का और रिश्तिया का एक उदा चिंतन करिए और उस रिश्तिया नूं बहाल करिए। समाजिक संस्थावां का अहम रोल है। सो क्यों मंदा के जे जम्मे राजान भलाई ट्रस्ट ही साहिब श्री गुरु नानक देव जी का नारी दे सम्मान दे विच गुरबाणी दे विच साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज ने यह फरमान किया कि इस औरत नूं असी मंदा किवें कह सकते हैं, छोटा किवें कह सकते हैं जिसने राजे नूं जन्म दिता है। इस पवित्र दिहाड़े पर मैं सब नूं बेनती करदा कि इसका आपां पुनर्विचार करिए और इस पवित्र दिहाड़े के उत्ते अपनी नवी सोच लियाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।